हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पटेल स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंसेस सेंटेंसेस uh, जो सेंटेंसेस जो कि डेफिनेटली इंग्लिश ग्रामर का वन ऑफ द मोस्ट बेसिक टॉपिक है किसी भी नए ग्रामेटिकल टॉपिक को सीखने के लिए हमको सबसे पहले सेंटेंसेस एंड टाइप्स पता होने चाहिए देन ओनली वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एनी ऑफ द ग्रामेटिकल टॉपिक्स इन इंग्लिश ओके तो चलिए जानते हैं सेंटेंस होती क्या है अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इट अ वर्ब एंड अ सब्जेक्ट सेंटेंस क्या होती है किसी भी दो या दो से अधिक ग्रुप्स वर्ड्स के ग्रुप को ही हम सेंटेंस बोलते हैं है ना दो या दो से अधिक वर्ड्स के ग्रुप को हम सेंटेंस के नाम से जानते हैं बट ऐसे ग्रुप जो सेंसफुल हो है ना जिससे किसी भी तरह का सेंस निकलता हो ठीक है कोई भी सेंसलेस ग्रुप को हम सेंटेंस नहीं बोलेंगे जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ दिस इज़ अ न्यू स्कूल तो दिस इज अ न्यू स्कूल कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है इसमें फाइव वर्ड्स मिला के एक ग्रुप बना है और इस ग्रुप को हम सेंटेंस बोलेंगे क्योंकि ये सेंसफुल है दिस इज अ न्यू वर्ड न्यू स्कूल से हमको uh, ये uh, ये सेंस है, है इस सेंटेंस में कि यह एक नया स्कूल है इसका कोई मीनिंग है है ना तो ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका कोई मतलब निकलता हो कोई मीनिंग निकलता हो वैसे ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम सेंटेंस बोलेंगे ठीक है मीनिंगस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम सेंटेंस नहीं बोलेंगे इन्हीं फाइव वर्ड्स के यूज से अगर मैं कोई दूसरा सेंटेंस बोलूँ न्यू स्कूल दिस ऐसा कुछ बोलूँ तो उसको हम सेंटेंस नहीं बोलेंगे क्योंकि वो सेंसलेस हो जाएगा प्रॉपर ऑर्डर्स में वर्ड्स होनी चाहिए जो कि एक सेंस बनाता हो ठीक है उसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ही हम सेंटेंस बोलते हैं क्लियर है तो टेंस क्या हो गए सेन्स फुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड सेंटेंसेस क्लियर ओके फीचर्स ऑफ सेंटेंसेस देख लीजिए आप अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस पहली चीज सेकंड इट स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर ये भी याद रखेंगे आप कोई भी सेंटेंस कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है थर्ड इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप इफ इट स्टेट्स अ फैक्ट अगर कोई फैक्ट स्टेट करता है फुल स्टॉप के साथ ये इसकी एंडिंग होती है ठीक है फोर्थ देखिए इट एंडस विद अ क्वेश्चन मार्क्स इफ़ इट आस्क एनी क्वेश्चन और एन एक्सक्लेमेशन मार्क्स इफ इट एक्सप्रेस अ सडन फीलिंग्स और सरप्राइज जॉय और सॉरो ठीक है अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है वो सेंटेंस तो वो क्वेश्चन मार्क के साथ एंड होगा अगर किसी भी तरह का एक्सक्लेमेशन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है या कोई सडन फीलिंग या सरप्राइजेस या जॉय या दुखी दुख वाले भावनाओं को व्यक्त कर रहा है तो वो एक्सक्लेमेशन मार्क्स के साथ एंड होती है सेंटेंस थी ठीक है तो ये तो है इसके फीचर्स अब जान लेते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं एक्चुअली ठीक है सो देर आर टोटल फाइव टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस मेनली ठीक है मेनली हम पांच तरह के सेंटेंसेस जानेंगे अभी और मेनली पांच तरह के सेंटेंसेस होते हैं कौन कौन से पांच तरह के सेंटेंस देख लीजिए फर्स्ट वन इज डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस डिक्लेरेटिव या असर्टिव दोनों नाम से जाना जाता है इसको सेकेंड वन इज इंपरेटिव सेंटेंस थर्ड वन इज इंटरोगेटिव एंड फोर्थ वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस फिफ्थ वन इज ऑप्टेटिव सेंटेंस ठीक है तो इस तरह से पांच तरह के सेंटेंसेस हम पढ़ते हैं डिक्लेरेटिव इंटरोगेटिव इंपरेटिव एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव ठीक है चलिए सभी पांचों सेंटेंस को एक वन बाय वन डिस्कस करेंगे सबसे पहले चलते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस में ठीक है तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होती है अ सेंटेंस दैट डिक्लेयर्स और स्टेट समथिंग इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस जो कुछ बताता हो या कुछ डिक्लेरेशन देता हो नाम से ही क्लियर है डिक्लेरेटिव डिक्लेरेटिव मतलब डिक्लेरेशन घोषणा करना किसी भी तरह का स्टेटमेंट है ना तो कोई स्टेटमेंट देता है या कुछ बताता है सिंपली कुछ पूछता नहीं है है ना कुछ बताता है सिंपली उसको हम डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस आर टू टाइप्स है ना दो तरह के डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं एक तो होता है अफॉर्मेटिव और एक होता है नेगेटिव ठीक है दो तरह के डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं एक अफॉर्मेटिव सेंटेंस और एक नेगेटिव सेंटेंस तो अफॉर्मेटिव सेंटेंस क्या होती है ऐसा सेंटेंसेस जो किसी भी तरह का अफर्मेशन या सच सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस अफर्म्स अ प्रीपोजिशन इसका मतलब यह है कि जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होती है उसमें हम पॉजिटिव स्टेटमेंट डिस्कस करते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट ठीक है और नेगेटिव सेंटेंस में हम नेगेटिव स्टेटमेंट डिस्कस करते हैं ठीक है याद रखेंगे आप अफर्मेटिव सेंटेंस में पॉजिटिव स्टेटमेंट डिस्कस किया जाता है या पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है और नेगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव स्टेटमेंट होती है एग्जाम्पल देख लीजिए अफर्मेटिव सेंटेंस का आई लाइक टू प्ले टेनिस ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है आई डू नॉट लाइक टू प्ले टेनिस ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है या नेगेटिव सेंटेंस है ठीक है तो इस तरह से डिक्लेरेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं अफार्मेटिव और नेगेटिव क्लियर ओके चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होती है अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस जिससे किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता हो है ना किसी भी तरह के क्वेश्चन का हमको पता चलता हो ऐसे सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी दो तरह के होते हैं एक होता है डब्ल्यू एच प्लस इंट्रोगेटिव एक होते हैं यस नो इंट्रोगेटिव ठीक है याद रखना डब्ल्यू एच प्लस इंट्रोगेटिव ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बोलते हैं जो डब्ल्यू एच प्लस वर्ड्स से स्टार्ट होते हैं हु वाई वेयर वॉट ऐसे जो वर्ड्स होते हैं उससे स्टार्ट होने वाले वर्ड्स को डब्ल्यू एच प्लस इंट्रोगेटिव बोलते हैं ठीक है एग्जाम्पल्स देख लीजिए वेन आर यू लिविंग टूडे ऐसे जो होते हैं वो हो हैं। और इंटरव्यूटिव कौन से होते हैं जो ऐसे क्वेश्चन जिसको हम हेल्पिंग uh, को सामने लाकर पूछते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल आर यू टायर्ड है ना आर यू योर स्टूडेंट्स आर यू फीलिंग गुड ऐसे जो सेंटेंस है वो डब्ल्यू एच यस नो इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं जिसका आंसर हम यस yes या नो no में दे सकते हैं डब्ल्यू एच प्लस क्वेश्चन के आंसर यस yes या नो no में नहीं दिया जा सकता उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा ठीक है बट यस नो जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर इसको यस yes नो इसलिए बो जाता है क्योंकि इसका आंसर आप यस yes, नो no में दे सकते हो जैसे बोला गया है क्वेश्चन आर यू स्टूडेंट तो आप बोल सकते हो यस yes या नो no? ठीक है लेकिन अगर आपको कोई पूछे वेयर आर यू गोइंग तो आप नहीं बोल सकते यस yes या नो no, आपको एक्सप्लेन करना होगा कि आई एम गोइंग टू दिस दिस प्लेसेस ठीक है

प्लीज टेल मी वॉट हैपन्ड प्लीज गिव मी योर बुक है ना स्टैंड अप कम हि गो दियर ऐसे सेंटेंसेस जो कमांड या रिक्वेस्ट हो ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर ये सारे सेंटेंसेस इंप्रेटिव सेंटेंस कहलाते हैं इसके फीचर्स देख लो एन इम्प्रेटिव सेंटेंस एंड विथ अ फुल स्टॉप ये भी एक फुल स्टॉप के साथ एंड होता है इट टेल्स अस टू डू समथिंग थ्रू रिक्वेस्ट कमांड ऑर्डर एडवाइस और सजेशंस है ना ठीक है चलिए नेक्स्ट सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होती है देख लीजिए आप सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस स्ट्रांग फीलिंग्स और इमोशंस आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस जो कोई स्ट्रांग फीलिंग या इमोशन को डिस्क्राइब करता है एक्सप्रेस करता है ऐसे सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं है, है ना ऐसा सेंटेंस जिससे तो हम हमें किसी तरह का सरप्राइजिंग मोमेंट या ना या शॉकिंग मोमेंट्स का पता चलता है कि, आ, ऐसे फीलिंग्स को या ऐसे सिचुएशन में जिस सेंटेंस को हम बोलते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है जैसे फॉर एग्जांपल देखो वॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस इट इज है ना लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगता है हाउ मेलेडियस ही सिंग्स ठीक है तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाती है ठीक है जो जिसके इसके इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क्स एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को अलग अलग इंटरजिक्शंस के साथ हम यूज करते हैं एकॉर्डिंग टू सिचुएशन जैसे सपोज कोई सैड मोमेंट हो तो हम यूज करते हैं ओह ठीक है ओह वी लोज दी मैथ है ना जैसे कोई जॉयफुल मोमेंट हो तो हम यूज़ करेंगे हुर्रे ठीक है हुर्रे वी वॉन दी मैथ ज़्यादा सैड वाली मोमेंट हो तो हम अलास यूज करते हैं अलास हिस्पा फादर डैड ठीक है तो ऐसे अलग अलग सिचुएशन के बेस पर अलग अलग इंटरजेक्शन यूज करते हैं ठीक है ये जो वर्ड्स है ये सब इंटरजेक्शंस कहलाती है ठीक है वाओ वॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस वाओ जो वर्ड है वो एक इंटरजेक्शन है ठीक है तो इस तरह से एक्सप्लेमेटरी सेंटेंस किसी सडन इमोशंस या फीलिंग्स को डिस्क्राइब करता है ठीक है अगर लास्ट सेंटेंस है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस को बोला जाता है जिन सेंटेंस को हम किसी को विश करने के लिए यूज करते हैं विशिंग सेंटेंसेस है ना आई विश यू लॉन्ग लाइफ विश यू हैप्पी बर्थडे ठीक है ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं वो सारे सेंटेंसेस ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं क्लियर है ठीक है तो ये तो हुए सेंटेंसेस uh, और उनके टाइप्स ठीक है टोटल फाइव मेनली फाइव टाइप्स के सेंटेंसेस हम जानते हैं और इस वीडियो को अच्छे से देखिए और सेंटेंस सारे सेंटेंसेस को अच्छे से क्लियर करिए ठीक है किसी भी तरह के बेसिक ग्रामेटिकल नॉलेज के लिए सभी सेंटेंसेस का नॉलेज होना आपको बहुत ज़रूरी है ठीक है वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए अगर आप चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो और लाइक करिए थैंक यू सो मच